हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्स की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी भी गाड़ी के नंबर से उसका मालिक कौन है आप तुरंत ही पता कर सकते हो। दोस्तों आपने देखे होंगे कभी कभी ट्रैफिक जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग एक ऐप यूज़ करते हैं और उस ऐप में आपका गाड़ी का नंबर कभी डाल देते हैं तो आपका सारा डिटेल्स आ जाता है कि आपका उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, कि उसमें इंश्योरेंस है कि नहीं, या जो भी प्रॉब्लम है वही ऐप पुलिस वाले यूज़ करते हैं। और जो पुलिस वाले ऐप यूज़ करते हैं तो आज मैं वही ऐप के बारे में बताऊंगा जो आप भी, अगर आपके पास वो ऐप है तो किसी भी गाड़ी का नंबर अगर आप सर्च करोगे, अगर आप खुद का आपका ही गाड़ी का नंबर डालोगे तो आपका नाम आ जाएगा और देखोगे तो एक कमाल हो जाएगा कि आपका इंश्योरेंस कब तक है और फिर पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो भी करवाया है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो ये कौन सी ऐप है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जो वीडियो देख रहे हो पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ एक घंटे का बेल आएगा ऑल ऑप्शन में आपको दबा के रख देना है। और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड ए पब्लिक कॉमेंट आएगा, ऐड ए पब्लिक कॉमेंट में आपको सिंपली कॉमेंट कर देना है यहाँ पे RTO इन्फॉर्मेशन ऐप, ये आपको कमेंट कर देना है। जैसे आप कमेंट कर दोगे ना RTO इन्फॉर्मेशन ऐप तो ये कमेंट हो जाएगा। और कमेंट हो जाने के बाद दोस्तों अभी आपको करना क्या है, ये ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है सिंपली प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप आपके फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर लेते हो, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है और सिंपली आपको सर्च करना है, यहाँ पे इस तरफ से आएगा RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐप। जैसे आप सर्च करोगे RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन ऐप तो आपको 1, 2, 3, 4 नंबर पे ये ऐप आएगा और ये ऐप का लोगो देख सकते हो यहाँ पे, ये वही ऐप है और इसका देख सकते हो 4.6 रेटिंग है और इसका 10 मिलियन, बाप रे 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड कर लिया, मतलब 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर लिया, देख सकते हो। तो ये ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे, ओपन करने के बाद ये इस तरफ से आएगा RTO व्हीकल डिटेल और फिर यहाँ पे लोडिंग हो रहा है तो यहाँ पे लोडिंग होने के बाद एक ऐड आएगा, ऐड को आपको हटा लेना है और फिर यहाँ पे इंग्लिश कर देना है। इंग्लिश कर देने के बाद फिर आपको डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर आपको ऐड आएगा, ऐड को हटा लेना है। फिर यहाँ पे ये देखो, फिर यहाँ पे क्या क्या आता है, जैसे यहाँ पे ये देखो बाइक इन्फॉर्मेशन, किसी का अगर पुलिस बाइक पकड़ते हैं तो उसका बाइक का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बाइक इन्फॉर्मेशन क्लिक करते हैं। अगर किसी का कार पकड़ा है, फोर व्हीलर पकड़ा है तो पुलिस ये फोर व्हीलर का डालते हैं। फिर बस का भी देखते हैं, ट्रैक्टर इन्फॉर्मेशन, फिर स्कैन नंबर, किसी भी नंबर है तो नंबर को स्कैन करके भी वो पता कर सकते हैं। और लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, ये किसी का अगर लाइसेंस है तो वो फेक है या सही है, जो रियल है वो भी यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे चेक चालान, जो कि यहाँ पे चालान भी यहाँ पे काट लेते हैं। फिर अभी मैं दिखाता हूँ बाइक का इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है, जैसे गाड़ी का नंबर से। तो यहाँ पे मैं बाइक इन्फॉर्मेशन क्लिक करता हूँ और जैसे बाइक के इन्फॉर्मेशन में क्लिक किया तो एक ऐड आएगा, तो एक ऐड इसीलिए आता है क्योंकि फ्री ऐप है, तो ऐड को हटा लेना है। ऐड को हटाने के बाद फिर इंटर योर बाइक डिटेल्स, तो जैसे यहाँ पे मैं डालता हूँ, मैं तो अभी मुंबई से हूँ तो MH12PY फिर 9356, मान के चलो ऐसे ही एक नंबर डाल दिया MH12PY9356। तो अभी मैं सर्च करता हूँ, जैसे सर्च किया तो फिर और एक ऐड आएगा क्योंकि ये फ्री ऐप है, तो ऐड को सिंपली यहाँ से आपको हटा लेना है। और जैसे हटा लोगे फिर यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन मतलब गाड़ी का मालिक कौन है, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये लोडिंग हो रहा है और लोडिंग होने के बाद जो भी मालिक है यहाँ पे ये देखो रजिस्ट्रेशन नंबर है MH12PY9356 और स्टेटस अभी एक्टिव अभी भी चल रहा है और उस मालिक का नाम है, इस नंबर का मालिक का नाम है संजीव कुमार, जो कि मेरा एक दोस्त का है, देख सकते हो संजीव कुमार। फिर यहाँ पे सोन डॉटर यहाँ पे नहीं है, उसने नहीं दिया। ओनरशिप फर्स्ट ओनर मतलब उसका खुद का ही है। फिर मॉडल नेम है एक्टिवा 125। फिर मेकर नेम है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर, जो कि होंडा से लिया था, होंडा मोटरसाइकिल। फिर कलर है यहाँ पे देख सकते हो, तो कौन सा कलर है, अमेजिंग व्हाइट। फिर फ्यूल टाइप मतलब कौन सा तेल है, तेल से वो चलाता है पेट्रोल। फिर चेसिस नंबर भी आपको मिल जाएगा, इंजन नंबर भी आपको मिलेगा यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे और व्हीकल एज, इस गाड़ी का एज कितना हुआ है, मतलब पुलिस चुटकी में पता कर लेता है कि आपका गाड़ी का एज 5 साल हो गया है, 2 साल हो गया। तो आपको सावधानी से रहना होगा क्योंकि अगर आप पुलिस वाले को झूठ बोलोगे कि मेरा अभी नया गाड़ी है 2 साल हुआ है तो पुलिस चुटकी में पकड़ लेता है। कैसे पकड़ते हैं आपको मैंने दिखा दिया, व्हीकल एज भी आ जाता है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ये पुणे महाराष्ट्र में किया था। फिर फिटनेस अप टू 19 जनवरी 2033। फिर देख सकते हो यहाँ पे सारा इंश्योरेंस कंपनी जो कि अभी तक इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर भी है, देख सकते हो इंश्योरेंस वैलिड अप टू 13 जनवरी 2022।
क्या बात है यार, ज़बरदस्त है ये ऐप, देख सकते हो बिल्कुल। आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखाया कि गाड़ी के नंबर से कैसे मालिक का पता कर लेते हैं पुलिस वाले और कैसे उसका डिटेल्स निकाल लेते हैं। तो ये वही ऐप है, तो ये बिल्कुल रियल ऐप है और काम करता है। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये बिल्कुल फ्री ऐप है। इस ऐप का नाम है RTO व्हीकल इन्फॉर्मेशन। तो जल्दी से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। जय हिंद।